तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं ये हमारे पास है पिजन का मॉप्स। तो ये क्या हो चुका है कि ये यहाँ पे देख सकते हैं ये ड्रम है घूम नहीं रहा है, यानी कि बहुत टाइट हो चुका है, यानी कि जॉम हो चुका है। आपके पास कौन सा भी ब्रांड का इस तरह का मैजिक मॉप है या स्पिन मॉप है जो कि पोछा लगाने के लिए काम आता है, तो ये जॉम हो चुका है। तो इसको कैसे रिपेयर करते हैं, कैसे इसको वापस फ्री करते हैं, एकदम इजी से आप देख सकते हैं। इसमें साउंड भी आ रहा है तो इसको हम ठीक करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, बॉडी को ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से फ्लैट इसमें कुछ ग्रू दिए हुए हैं जो कि ओपन करना है। आप देख सकते हैं इधर है किधर है, थोड़ा टाइट जरूर है ये क्योंकि कंप्लीट लॉक किया हुआ है। तो इसको ग्रू हम सबसे पहले खोल देंगे। उससे पहले हमारे को ये जो हैंडल है इसको खोलना ज़रूरी है। तो इसके बीच में एक स्क्रू ड्राइवर रखेंगे एंड सबसे पहले ये खोल लीजिए। तो इसको रख दीजिए साइड में एंड देन उसके बाद में ये इजी से जो है आ जाएगा। आप हाथ से भी इसको खोल सकते हैं। सकते हैं ये है खुल चुका है। अब इसको ड्रम को खींचना है ऊपर की तरफ, तो इसके ऊपर बैठ जाना, ऐसे पूरा जोर मत लगाना नहीं तो ये आपका ड्रम जो बकेट है टूट सकता है। इसलिए स्टील बहुत पतला है। तो देख सकते हैं ये खुल गया है, इसको रखते हैं साइड में। तो बड़ा कटिंग प्लेयर लेते हैं, कोशिश करते हैं इसको निकालने की। तो देख सकते हैं ये जो पार्ट्स है निकल गया है, या फिर आपके ड्रम में इसी तरह से ये घुसा रहता है। तो हम सबसे पहले इसको फ्री करेंगे, यानी कि इन दोनों के बीच को ऑयल लगा के फ्री करेंगे। देख सकते हैं अब क्या करते हैं, इसमें थोड़ा ऑयल डालते हैं। तो देख सकते हैं आप कौन सा भी ऑयल डाल सकते हैं या पेट्रोल भी डाल सकते हैं थोड़ा। अब जो है थोड़ा इसको रोटेट करेंगे। दोनों साइड को पकड़ के घुमाना है।
अभी देख सकते हैं इसको हम इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे एंड देन अब इसके अंदर जो है अब इसको घुसा देंगे। तो देख सकते हैं ऑलमोस्ट फ्री हो चुका है। हम जैसे ही जो हमारा स्टिक होता है मॉप स्टिक वो डालने के बाद एकदम इजी से फ्री हो जाएगा। जैसे जैसे यूज करेंगे वैसे वैसे फिर उसके बाद इसका इसके कैप लगा दीजिए इस तरह से। इसके बाद जो इसका लॉक लगा दीजिए तो देख सकते हैं